हंगामे की तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है BDPO यानी कि ब्लॉक समिति कार्यालय की। ये जो सामने आपको ब्लॉक समिति कार्यालय दिख रहा है, कुछ समय पहले यहीं पर ऊपर एक बेहद बड़ा जो है हंगामा किया गया था, और ये हंगामा होने के पीछे का कारण था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति के इलेक्शंस का। क्योंकि अगर बात की जाए चेयरमैन की, तो सर्वसम्मति से अजय गावड़ को चेयरमैन चुन लिया गया है, जो कि नलवा हल्के से। कुल मिलाकर के 42 गांव है जिसके अंदर से 30 वार्ड है, और 13 जो है आदमपुर के हैं, 17 जो है वो नलवा के हैं। खैर, अगर अभी की बात की जाए तो अभी जो है वाइस चेयरमैन के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है, सर्वसम्मति से इलेक्शन नहीं हो पाया है, जिससे कल के ऊपर टाल दिया गया। इस वक्त हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा मौजूद है, और इनका क्या कहना है अजय गावड़ के चेयरमैन बनने के ऊपर, और इन्हीं की सरकार से ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनकर के आ चुके हैं, तो अब आने वाले समय के अंदर कितने विकास कार्य होने वाले हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज हिसार सेकंड का ब्लॉक समिति के चेयरमैन का चुनाव था, जिसके अंदर हमारे पार्टी के पुराने साथी और वरिष्ठ कार्यकर्ता है अजय गावड़ जी, इनको सर्वसम्मति से चेयरमैन पद पे चुना गया है। मैं अजय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इसके नेतृत्व के अंदर हिसार सेकंड का विकास होगा, और मैं तमाम उन BDC मेंबर्स के सदस्यों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपनी एकता का, एकजुटता का परिचय देते हुए सर्वसम्मति से अजय जी को चेयरमैन चुनने का काम किया है। मैं तमाम मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर अब हमारी, चाहे वो 3-tier सिस्टम है, पंचायत के चुनाव हो गए हैं, ब्लॉक समिति के जिला परिषद के चुनाव भी हो गए हैं, और अब चेयरमैन के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। आज पहला दिन था जिसमें पहली मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से हिसार सेकंड में चुना गया है। मैं इसके लिए तहे दिल से बधाई भी देता हूं, और निश्चित रूप से इससे वार्ड के अंदर विकास होगा। सरकार जो हमारी जो छोटी सरकार है, जिसको हम बोलते हैं UELB की या पंचायती राज की, इन सब के साथ है, और इनके नेतृत्व में अच्छा विकास होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़े लिखे सारे मेंबर है, तो निश्चित रूप से इसको विकास को और ज्यादा गति देने का काम करेंगे। 3-tier सरकार बनने के बाद कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अब तक अटके पड़े थे और आप करवाएंगे? विकास कार्य को अटके की बात नहीं होती, विकास कार्य कंटिन्यूस प्रोसेस है, पहले भी विकास कार्य चल रहे हैं, अब और नई योजनाएं सरकार की काफ़ी है जिसको और गति देने का काम करेंगे। चाहे आपके बीच में भी आयुष्मान कार्ड की बात हो, 1,80,000 रुपये तक की आय वालों को हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 1,20,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी सीमा है, लेकिन हरियाणा सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने 600 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दे करके हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए लगभग 42 से 45% आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से अभी 1 जनवरी से ही BPL कार्ड जो है वो भी बनने शुरू होंगे, तो तमाम जो ये चीज़ें सरकार की है, ये नीचे तक पहुंचाने का काम चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है, पंचायत से लेकर के, पंचायत मेंबर से लेकर के और मेंबर पार्लियामेंट तक सबका चुनाव जो है एक प्रजातंत्र प्रणाली के तहत जनता करने का काम करती है, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है कि उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करें। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे जितने भी नए BDC मेंबर बने हैं, चाहे सरपंच बने हैं, जिला परिषद के मेंबर बने हैं, और अभी जो उनका आगे चेयरमैनी का चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पर ये अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरने का काम करेंगे, अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। अजय गावड़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दो बात, धन्यवाद करता हूँ आप सबका, धन्यवाद करता हूँ, और साहब के भी बहुत, और साथ मेरी पूरी टीम थी, जैसे
काफ़ी लोग हैं, सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सभी ने मेरे साथ सर्वसम्मति से बना। गंगवा जी आपसे जानना चाहेंगे कि वॉइस चेयरमैन तो आपने बना दिया है और चेयरमैन बनाया है, अभी अभी क्योंकि वाइस चेयरमैन का भी चुनाव होना था, वो क्यों नहीं हो पाया? हम ये चाहते हैं कि सर्वसम्मति से बने, इसलिए पूरा डिस्कस मेंबर्स का नहीं हो पाया था। अगली मीटिंग में उम्मीद करते हैं कि वाइस चेयरमैन भी सर्वसम्मति से बनाने का काम करेंगे, और आज जिस तरीके से सरकार के अंदर नीतियों के अंदर विश्वास रखते हुए सभी मेंबर्स ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सर्वसम्मति से बनाने का काम किया। अब कितने परसेंट और ज्यादा जो है ग्रांटे मिलेंगे, क्योंकि आपकी सरकार जो है साथ मिलकर काम करने वाली है इनके साथ? ग्रांटे लगातार सरकार देती रहती है, लेकिन एक सिस्टम है कि जो ब्लॉक समिति है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला परिषद है, और ज्यादा नजदीकी से लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनके प्रायोरिटी का पता होता है। ब्लॉक लेवल की एक अपनी ग्रांट होती है, उसको ये जहाँ जरूरत होगी सभी मेंबर्स मिलकर के उसको लगाने का काम। वाइस चेयरमैन इलेक्शन के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या अगली मीटिंग के अंदर ही वाइस चेयरमैन का भी सर्वसम्मति से मैं उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अजय गावर, जो ब्लॉक समिति के हिसार सेकंड ब्लॉक से चेयरमैन चुने गए हैं। अगर बात की जाए इनके चेयरमैन चुनने की प्रणाली की, तो सर्वसम्मति से इनको चेयरमैन घोषित किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा का कहना है कि उनकी थ्री टायर सरकार बन चुकी है, यानी कि ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन भी उनकी ही पार्टी से चुने गए हैं, तो आगे आने वाले समय के अंदर थ्री टायर सरकार क्या जो है अच्छे से काम कर पाती है, और क्या ब्लॉक समिति मेंबर भाजपा का ही चुने जाने के बाद विकास कार्य जो है और भी ज्यादा प्रगति के ऊपर होने वाला है। खैर, आपकी क्या राय है? और आपको बता देते हैं कि वाइस चेयरमैन का चुनाव आज नहीं करवाया जा सका क्योंकि सर्वसम्मति नहीं बन पाई है, हालांकि कल के ऊपर इसे टाल दिया गया। अब देखने वाली बात यह कि आगे क्या होने वाला है। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। आपके जो है वार्ड से और आपके जो है हल्के से कौन जो है चेयरमैन चुनकर क्या है, वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूले। नमस्कार।